हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए हम टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और यहाँ पर स्टैटिक जीके का हमने यहाँ पर 5 सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज इसका छठा सेगमेंट है और इस छठा सेगमेंट आप सिलेबस में देखेंगे तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया हुआ है, तो इसी को कवर करेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक अगर आप इस सेगमेंट को नहीं देखे हैं, भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये सब नहीं देखे तो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी कम्प्लीट वीडियो पेट 2023 के नाम से है, तो आप उसको टॉपिक वाइज देख लीजिए। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फ्रेंड्स, यहाँ पर 60 क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना आप कवर करते हैं तो इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नेक्स्ट है आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो निम्नलिखित का जन्मदिन है, तो यह स्वामी विवेकानंद का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 8वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9th नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसकी मृत्यु के बाद से शहीद दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13 का सही उत्तर क्या होगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन किसका जन्म हुआ था। 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब किसकी खोज की गई थी, तो वर्ष 1928 में सीवी रमन ने यह खोज की थी, जिसके बाद यह रमन प्रभाव कहलाया और प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्मदिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसके एंड तक आप बने रहिएगा, आपका यह टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, थोड़ी देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है।
यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 21 मई को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। भारत में चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे किस तिथि को मनाई जाती है या मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस राधा कृष्णन के उपलक्ष्य में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31, 31 का हो जाएगा डी, 14 नवंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का सी, 14 सितंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को। 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर राष्ट्रीय अवकाश नहीं, जबकि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय अवकाश है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में, यानी बिहार राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त रूप से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20 नवंबर। लेकिन 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 19 नवंबर को राष्ट्रीय नागरिक दिवस और यहाँ पर 20 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 नंबर कह रहा सुमेलित नहीं है, तो 41 नंबर आपको सही उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में कि 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42 नंबर कह रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नंबर, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय सद्भावना दिवस अभी हमने पीछे बताया है, तो ये 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ भी आपको सम्मिलित करना है।
तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले का ए, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, यानी 26 जनवरी भारत में गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस 30 जनवरी को, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को और राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अब चलते हैं 44वें, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को।